हाँ, सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम जा रहे हैं अपनी बॉडी मसाज कराने, क्योंकि वर्कआउट के साथ में बॉडी मसाज जरूरी है। और आज गुरुजी से नंबर लिया था हमने, वो बंदे को कॉल किया कि भाई हमारा बॉडी मसाज कराना है, तो वो बंदे ने हमको एड्रेस भेज दिया। कहाँ पे? भागल में। कहाँ? मैं कतार गांव में जाना है। वो भाई से एड्रेस भी पूछ लिया। तो अभी हम तीन बंदे का कितना बोला? 1500 बोला होगा ना? हाँ, 1500 बोला है। तो अभी जाके देखते हैं कि कितना लेगा। और बॉडी मसाज बहुत ही बढ़िया करता है गुरुजी ने एक बार कराया है और बोला कि बहुत मस्त बंदा करता है, इसीलिए हमको नंबर दिए है गुरुजी ने। तो अभी जाके हम कराएंगे। और भैया जी, और बोल दो कुछ। चलो अभी दिखाते हो आज आके कैसे करते, क्या है आगे का सब कुछ। और वीडियो में भाई मजा बहुत आने वाला है। और ऐसे ऐसे दर्द होंगे ना, ऐसी ऐसी आवाज निकलेगी, रोना आ जाता है भाई, रोना आ जाएगा भाई। बॉडी बनाना और बॉडी को मेंटेन करना कितना आसान नहीं होता है, उसके लिए डाइट वाइट सब प्रॉपर। और मसाज के साथ दो दिन हम लोग रेस्ट लेंगे ना भाई। लोगों को लगता है कि बॉडी बनाना बहुत आसान है भाई, बॉडी को बनाना भी आसान नहीं और टिका के रखना भी आसान नहीं। बॉडी बहुत खर्चा मांगती है, बहुत। जब पैसा खत्म तो समझ लो बॉडी खत्म। पहले कमाते हो ना, उससे डबल हम लोग उड़ा देते हैं। ये बात है, बोलते कि बॉडी हम भी बना लेंगे, तुम बना के बताओ। वही बात, तुम्हारी बॉडी का खर्चा मैं करूंगा खाली, अगर तुम्हारी बॉडी बनती हो तो। बना तो 1 साल दे दूंगा। चलो 1 साल तुमको मेरे तरफ से फ्री, जितना बोलोगे उतना खर्चा। तो अभी के लिए चलते हैं और मिलते हैं आगे। ब्लॉग देखते रहना और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और शेयर करो यार अपने दोस्तों लोग में। और ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तो अभी के लिए चलते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पहुँच चुके हैं और हमारा ये भाई बॉडी के साथ साथ पैसे भी वसूलता है। अपना काम है भाई ब्याज का, इसलिए वसूलना पड़ता है। और भाई कैसे हो? तो यार मतलब सूरत की गर्मी अलग है, बहुत गर्म है पर देख रहे हो। भाई साहब, यहाँ 4 रास्ता भागल 4 रास्ता के आगे आ चुके हैं। अभी तक हम लोग मैप में ढूंढ, वो भाई ने लोकेशन जो भेजा था वो मैप में ढूंढते आ चुके हैं, लेकिन अभी तक वो भाई भी नहीं मिला। और जो जगह पे पहुँचे वो भी हम लोग थोड़ा भटक गए। भटकने के बाद अभी साला इतना उल्टा, इतनी धूप पड़ रही है सूरत में, इतनी धूप है उसके वजह से चेहरा वेहरा। मैंने सोचा था फुल शर्ट पहन के आऊँ, लेकिन मेरे को लगा थोड़ा आस पास में जाना है। हाँ, और वो नीचे भी देखूँ तो पूरा नंगा नंगा सा है। और गरम, गाड़ी की इंजन इतनी गरम हो रही है ना भाई साहब कि पूछो मत। पूरा ये हाथ पैर पूरा गरम हो चुके हैं। मैं तेरे को बोला था मैंने कि भाई और हीटिंग कितनी हीटिंग हो गई है गाड़ी। और मैं सोचा कि मैंने भाई को बोला कि भाई अपने इतने दूर फूल, हाँ तेरा तो अच्छा है। मैं तो तेरे को बोला नहीं पहले कि भाई मैं बुला लेते अपने जिम में उसको डायरेक्ट अपने आ जाइए। बात तो तेरे को पहले बोला था कि मैंने बोला 4-व्हीलर ले लिया होता तू। भाई ट्रैफिक इतनी होती है यार, 4-व्हीलर की जगह है यहाँ पे। अरे भाई ट्रैफिक होती है, लेकिन भाई अपने सेफ्टी तो जा सकते हैं ना। फूल मतलब धूप भी नहीं लगती अपने को, और अच्छे से जाके बॉडी मसाज भी करा लेते, एकदम बॉडी को रेस्ट भी थोड़ा मिल जाता कार के अंदर। ये भाई को क्या है, बाइक पे ही राइडिंग करनी है। और भागल 4 रास्ता पे जो लोग सूरत में रहते होंगे उनको तो पता ही होगा कि भाई भागल 4 रास्ता में इतनी ट्रैफिक होती है। और भाई ट्रैफिक के मारे एक्सीडेंट कितना हो जाता है, अभी घुस जाता है। अभी 2-3 बार मैं ही बच गया एक्सीडेंट के वजह से। तो अभी चलते, भाई का फोन आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे जाके मिलते हैं।
चलो फिर भैया जी पहुंच चुके हैं हम लोग, और वो भाई का प्लॉट नंबर कितना है, 301। तो वहाँ पे जाना, कैसा खंडर जैसा बिल्डिंग है यार, मेरे को तो बिल्कुल भी जम नहीं रहा है। बट कहाँ कहाँ से आ गए लोग, तो इधर पूरा टूटा फूटा बिल्डिंग है, फॉरन सूट है ना, फॉरन सूट थोड़ी ना है। चलो तो दही किधर है, दूसरा है कि तीसरा, मेरे को क्या मालूम, दूसरा है ये, दूसरा है। तो जिम पे आ जाएंगे, जिम में आ जाएंगे फिर, और फिर टाइम लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा फिर। अभी एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा दिन का है अभी, क्योंकि मेरी दूसरे जिम पर भी अभी अपॉइंटमेंट है। हाँ अभी आपका 1:30 बजे का आपने बोला था, आपने 2:30 बजे। अच्छा तो अभी क्या करना है, तेरा करा रहे थे संडे आने वाला हूँ। हाँ सैटरडे को फिक्स, हाँ हाँ वहीं पे ही है सैटरडे आने वाला, तो ऐसा कर लो सैटरडे कर लेते। तो अभी भाई का कर लेते हैं, तेरा कर लेता, तेरे कर ले, हम दोनों भाई को करा लेते। तू कहाँ से आएगा है ना, तो आ जाओ तू करा ले फिर, है तो भाई हम लोग यहाँ पे तो पहुँच चुके हैं, और ये भैया बोल रहे हैं कि एक ही लोग का अपॉइंटमेंट, मतलब एक ही बंदा मसाज करा सकता है, क्योंकि भैया के पास टाइम नहीं। आप कहीं जा रहे हो क्या भैया? तो अभी भैया बोल रहे हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं, अभी एक ही बंदे का हो सकता है मसाज। तो अभी मैंने बोला आकाश भाई तो पहले करा देते, हम तो जिम में भी कर सकते मसाज, क्योंकि हमारे जिम में 3-4 लोग और हैं, तो उनके साथ हम भी रहेंगे तो हमारा भी अच्छी बॉडी मसाज हो जाएगी। और उसके लिए मैं सोचा कि छोड़ो जान दो, अभी आए इतने दूर से तो भाई का भी मसाज कर लेते हैं, है ना भाई? हाँ भाई, अभी आए तो क्या करें, इतनी धूप में फायदा तो ले लें, और गर्मी तो इतनी फैल के पड़ रही कि पूछ मत भाई, पूरा चेहरा मेरा पूरा लाल हो गया है। तो पहले पानी पी लें आपने जो पहले से बोला होता कि 2-3 बंदे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ टाइम सेट करके, तो मैं बात नहीं करती वैसे, मैं बोला अभी जा ही रहे तो आते ही जाते हैं, मुझे बोला मुझे अभी जा रही तो चलो क्या पूछ लो। मेरे को लगा कि हम लोग आए तो फिर 3 लोग हैं तो हो जाएगा बॉडी मसाज, क्या इतने दूर से आए और इतनी धूप भी पड़ रही है। मैं सोचा कि जब आ ही रहे तो जिम में बुला लेते, 3-4 लोग और हो जाएंगे अपॉइंटमेंट पे। मेरे को ये मालूम नहीं था कि पहले से बोल कर रखो तो हो जाएगा ऐसा, क्योंकि मुझे कैसा है कि मेरे सूरत में 40 जिम है, 40 जिम वो हिसाब से मुझे कन्फर्म पहले से ही करना पड़ेगा, लोग आकाश तू ही करा ले भैया, तेरा फिक्स, फिर हम दो बेड पे ही। भाई आज तो मतलब रो देगा भाई, भैया आपके पास तो वो भी होगा ना क्या, मसाज करने का वो थोड़ा सामान रहते हैं ना, कि रोलिंग करते हैं मसाज पे, खाली हाथ से ही हो जाएगा, मतलब हाथ से पूरी बॉडी फ्री हो जाएगी। पैंट ही निकाल देना भाई, तब पूरी बॉडी मसाज होगी ना, रहना तो क्या दिक्कत है। तेरे को चड्डे पे तो बोला था ना आने पे। ओ, उसका गंदा हो जाएगा चड्डा, धोया भी नहीं। अरे पूरा चर्बी जमा हुआ है भाई तेरा, वो तो कब से चालू है क्या? क्या कर रहा है हमारा गाली गुलाब, तो नहीं पूरा नंगा हो चुका है ये क्या छुपा रहे भाई, ठंडा गर्मी में ठंडा पानी।
बहुत गर्मी अभी भाई का पूरा डोला तो भैया आपको कितने साल से एक्सपीरियंस है ये सब चीज में? 10 साल। अगर भैया मेरी वीडियो देख के अगर आपसे मसाज कराना चाहे तो कैसे? आपका कॉन्टेक्ट नंबर डाल दो फिर इसमें, मतलब आपका एड्रेस एड्रेस यूट्यूबर है? हाँ यूट्यूबर है। हाँ तो आप कार्ड दे देते, मैं क्या डिस्क्रिप्शन पूरा डाल दूँ। भैया आप बॉडी मसाज के लिए कौन सा ऑयल यूज करते हो? टोटल 12 टाइप के ऑयल यूज करता हूँ, डिपेंड फिर स्किन के ऊपर डिपेंड है। स्किन के ऊपर ज्यादातर तो आयुर्वेदिक ऑयल ही होते हैं। अच्छा, मतलब अगर बाय चांस कोई उल्टा सीधा हो जाए, साइड इफेक्ट कोई ऑयल की वजह से हो, ज्यादातर स्किन फ्रेंडली ऑयल यूज करता हूँ। आयुर्वेदिक ऑयल में स्किन फ्रेंडली होता है। अच्छा, मतलब ये सब ऑयल से साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना? आयुर्वेद में कभी साइड इफेक्ट होना है अपने? नहीं नहीं, उसमें तो हुआ नहीं है आज तक। तो भाई साहब जितने भी बॉडी बिल्डर हैं और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिसको भी बॉडी मसाज करानी हो तो भैया जी का मैंने डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी डाल दिया है और मोबाइल नंबर भी दे दिया है। और भैया जी मेरे थ्रू अगर कोई आएगा मेरे वीडियो देख के तो उनको कोई डिस्काउंट मिलेगा? और आ ही जाना, ठीक है? बॉडी मसाज आप देख ही सकते हो कि कितनी बढ़िया पेनफुल बॉडी मसाज है। और एक दिन के लिए बॉडी मतलब मसाज कराने के बाद एक दिन के लिए रेस्ट जरूरी है ना? और वर्कआउट के साथ साथ बॉडी को मसाज देना भी जरूरी होता है, और रिलैक्स भी करना जरूरी है इसके लिए। तो अभी देखते रहो वीडियो, ठीक है भैया? ये अपने बॉडी मसाज करने के बाद कपिंग करा सकते हैं ना? तुरंत नहीं, 2-3 दिन छोड़ने के बाद, क्योंकि इससे बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आप बॉडी मसाज लेते हो तो आपकी ये जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो प्रॉपर चालू हो जाता है, और उससे जो गंदे खून रहते हैं वो सब निकल जाते हैं ना? अच्छा, तो बढ़िया है ना भाई। 4 साल के बाद ये क्या बोल रहे? मसाज के बाद ऑरेंज जूस पीना जरूरी होता है और विटामिन सी, अगर टैबलेट ले लो तो बहुत ही अच्छा। अच्छा, और टैबलेट ना रहा तो क्या खा सकते हैं? ऑरेंज जूस टैबलेट तो मिल ही जाता है हर मेडिकल में, 5 रुपये का टैबलेट आता है। अच्छा, लेमन जूस भी, ये ऑरेंज जूस कुछ भी, ऑरेंज जूस भी। और टेबलेट भैया जी आप बोल रहे थे कौन सा खाने का? तो भैया जी अभी इनको कितना टाइम लगेगा? इनको और बस 10-1 मिनट और लगेगा। देख क्या भाई हालत खराब हो गई है, दोबारा करा लेना वापस भाई। मेरे को इसकी बॉडी मतलब पेन देख के मेरे को इतना घबराहट हो रही कि भाई मैं कराओ कि नहीं कराओ। अरे भाई तेरे को कुछ बोलना है? हम तो करवाएंगे, बॉडी खुलवानी है भाई। तेरी बॉडी लोग उठ रही है ना? क्या
नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। तो भाई साहब मसाज तो हो गई है आकाश भाई की, क्योंकि इतना पेन फुल हो रहा था कि ऐसा भाई को मन कर रहा था कि बीच में से उड़ जाओ, इतना दर्द होता है क्या भाई। आप आपको यही बताएंगे कि दिखता वो बोलूंगा तो नहीं, दिखेगा तो पता चलेगा है ना। रेडनेस देखो कितना गंदा पड़ गया, ये तो एक दो दिन में तो वापस चला जाएगा। और ये साइड में देखो कितना रेडनेस हो गया, बैक में तो है नहीं, बैक में तो रेडनेस नहीं है, और गले वाले में है, हाँ इधर ये साइड में पड़ा है रेडनेस, और बाकी कोई जगह नहीं है, ये साइड में है, यहाँ से दिख नहीं रहा थोड़ा इस साइड हो। ये देखो ये थोड़ा सा रेडनेस इस साइड में आया है, और इतना पेन हुआ है भाई, बता दे कैसा पेन हुआ है, खतरनाक कैसा पेन, बता है कैसा, मतलब बताऊंगा तो किससे चलेगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, मसाज आप आके अगर मसाज करो फिर समझोगे। अरे भाई कैसे 306 हड्डी टूटने का दर्द होता है भाई, अरे 306 टूटेगा वो तो भाई को ही पता होगा कितना दर्द, कितना पेनफुल है ना मसाज, क्योंकि देख अपने कितना महीने में एक बार कराया था ना तूने, साल चार साल में, चार साल बाद फिर मतलब ये पहली टाइम है ना मसाज का, ये फर्स्ट टाइम है इसीलिए भाई को इतना दर्द हुआ, और नहीं तो अगर रेगुलर होता तो इतना पेन नहीं होता है। और अगली टाइम ये और मैं और मतलब शशि भाई भी है ना, अरे भाई भाई साहब अगली टाइम हमारा मतलब वो ये तो पहला पार्ट था, क्योंकि भाई के पास टाइम नहीं था, क्योंकि उनके पास दूसरे भी क्लाइंट हैं, तो मतलब कि क्लाइंट फ़ोन करके पहले से अपॉइंटमेंट ले लिए थे, और हम लोग ने लेट कर दिया, क्योंकि हम लोग ने लेट कॉल किया था कि भैया जी हमको भी आना है, तो बोले कि एक ही लोग का हो सकता है, दूसरे लोग का नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास और भी कस्टमर है, तो मैंने बोला चलो ठीक है पहले आकाश भाई का आप कर दो, इसलिए मैंने आकाश भाई का करा लिया। और हमारा मसाज सैटरडे या संडे में होगा, और आपको दूसरा नेक्स्ट पार्क ज़रूर हम लोग डालेंगे। पहले ये वीडियो देख लो, और वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर, यही तक थी मेरी वीडियो, और ऐसे ही वीडियो आती रहेगी। भाई कुछ बोलना है, और अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेगी हमारे साथ, तुम लोग भी बॉडी बनाओ बनाओ, और ये लोग जो बोलते हैं ना बॉडी बनाना हलवा है, हम लोग रील डालते 15 सेकंड की, ये बोलते हैं ऐसा ही नॉर्मल वीडियो ऐसा बॉडी बना के रील अपलोड कर देते, दिखावा भैया दिखावा नहीं, हम लोग दिखाते इसमें कितना पेन होता है मतलब बॉडी में, ठीक है। और जब तक बॉडी में पेन नहीं होगा ना तब तक भैया नो पेन नो गेन, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग आते रहेंगे नए नए व्लॉग, तब तक के लिए तुम्हारे भाई का चैनल लाइक सब्सक्राइब और क्या बोलते उसको कमेंट फर्स्ट टाइम कमेंट में बताना भैया व्लॉग आपको कैसा लगा, ऐसे ही व्लॉग हम लोग लाते रहेंगे, ठीक है, और शेयर जरूर करना, ठीक है, और जो बॉडी बिल्डर है उनको दिखाना भाई कितने मतलब पेन कितना होता है ये मसाज कराने में, ठीक है भाई, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।